क्या है ये? छेटी रखने का साधन। जदि मुंह अटे रहू कोई नहीं तो अंडी का ही जरूरत। आप जदि आओ यह वना दना वास्ते है। हमारे दो टाबर है, आगे ना हो इसीलिए। मैं मेहनत करके और कमा लूंगा, तने कणी बात री चिंता। मारा शरीर री पिछली बार लाडली के समय कितनी तकलीफ हुई थी याद नहीं है क्या? तो क्या मैंने तेरा इलाज और डिलीवरी अच्छे अस्पताल में नहीं करवाया था? एक बात ध्यान रख ले, इस घर में कमा के मैं लाता हूँ तो मेरी मर्जी क्या कितने बच्चे होंगे। पर परिवार बढ़ाने का निर्णय हम दोनों का नहीं होना चाहिए। देखो मुझे ही पूरे दिन इनके पीछे रहना पड़ता है और आपको भी टाइम देने में दिक्कत होती है। अगर मेरा शरीर स्वस्थ नहीं रहा तो मैं आप सबका ख्याल कैसे रख पाऊंगी? लेकिन जब मैं यहाँ हुई नहीं तो ये गोलियां खाने की क्या जरूरत? सुनो सीमा के पापा, आप महीने में एक बार आओ या अधिक बार, ये गोलियां तो मुझे रोज ही लेनी पड़ती है। इसको मैं बीच में शुरू या बंद नहीं कर सकती, समझे? तुझे इतनी जानकारी कहां से मिली? वो अपने गांव की चुनकी है ना, उसको साधनों के बारे में सब कुछ सिखाया गया है। वो गांव की तरुणी सखी है। तो तू हमारे बारे में उसको सब कुछ बता देती, ऐसे तो पूरे गांव को पता चल जाएगा। अरे नहीं जी, वो किसी की बात किसी को नहीं बताती। मैंने उसको पूछा भी कि गांव में इस गोलियों को कोई काम में ले रहा है तो उसने बताने से साफ मना कर दिया। उसने बोला कि लुकाई की बात सिर्फ उसी की है और किसी की नहीं। अच्छा, ये तेरी चुनकी कॉन्डम भी रखती है क्या? हाँ रखती तो है, लेकिन क्यों? थाने शहर ले जाना है कहीं? अरे नहीं 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 नहीं, वहाँ तुम केवल मेहनत और मजदूरी करो। मैं तो इसलिए पूछ रहा था कि अगली बार आऊँ तो इस्तेमाल में लूँ ताकि तुझे ये गोलियाँ ना खानी पड़े। भाई बड़ी भूख लग रही है, चल चल के खाना खा ले। नौकरी पेशा या कमाई के लिए अक्सर पति को बाहर रहना पड़ता है, बीच बीच में घर आने पर गर्भ ठहर सकता है, इसलिए छेटी रखने के लिए कोई ना कोई साधन शुरू करें व नियमित काम में लेते रहें।